बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन इन जावा। ठीक है, कलेक्शन है क्या? वैसे एक फ्रेमवर्क है बना बनाया, हमारे पास एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड किया है जावा ने, जिस पे क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कहता है ऑल द ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन डाटा सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, डिलीशन कैन बी परफॉर्म बाय जावा कलेक्शन। कह रहा है जितने भी ऑपरेशन हैं जो तुम डाटा के ऊपर करते हो, डाटा मीन्स जो तुम जिस तरह से कह रहे हो सर, ये जो सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, ये सब हम एरे पे भी तो करते हैं, तो एरे की जो वैल्यूज हैं वो डाटा ही है तुम्हारे लिए अभी तक। ठीक है, अभी हम डाटा बेसिस को नहीं कनेक्ट किया। कह रहा है जावा के अंदर क्या है, कलेक्शन के अंदर जो फ्रेमवर्क है, कह रहा है वो आपको बहुत सारे इंटरफेसिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेसिस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, सेट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, क्यू, डी क्यू, और इसी तरह से कुछ क्लासेस हमें मिली हुई हैं, एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, हैश। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम थ्रू आउट इस पूरे फ्रेमवर्क को, इस पूरी कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, कलेक्शन क्या दिया हमें, एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। फ्रेमवर्क मीन्स कलेक्शन ऑफ क्लासेस, यानी उसके अंदर बने बनाए हमारे पास मेथड्स हैं, इंटरफेसेस हैं, हम उसे क्या कर लेंगे, बस एक लाइन का कोड लिख के यूज कर लेंगे। देखो अभी इसका बेनिफिट बताता हूँ क्या होगा। अभी वैसे तो हम आप सबसे पहले डिस्कस करने वाले एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट, तुम कहोगे सर इसमें एरे का वर्ड आ रहा है, अब एरे लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले चलते हैं एरे की तरफ, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखो क्या करेंगे, मेन मेथड पर आते हैं और एक एरे लिखते हैं, इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और इसका साइज हमने डिफाइन कर दिया 5। सही है, ओके। मैं तुमसे एक टास्क पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले तो मैं एक मिनट एरे के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जीरो इज इक्वल्स टू, इसके एक्स जीरो इंडेक्स पर एक नंबर डलवा दिया 1, सिमिलरली 1 पे 3, सही है, ऑड नंबर कर रहा हूँ मैं, 2 पे हमने दिया 5, एंड देन एक्स थ्री कंटेन्स 7, एक्स फोर कंटेन्स 9। ओके ठीक है, हो गए पूरे 5 एलिमेंट। अब मैं एक फॉर का लूप चलाता हूँ, फॉर ईच लूप, और इसके अंदर लिखता हूँ इंट वैल्यू वी कॉलन, और वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्स से आएगी, और उसको डायरेक्ट वो प्रिंट कर देगा, और यहाँ लिख देते हैं एस आउट बिफोर डिलीशन। मैं एक ही ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, डिलीशन इसी तरह से इंसर्शन भी हो सकता है, तो वो तो आसान है, एस आउट, और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया वी प्लस कॉल स्पेस कॉमा, या स्पेस लगा दो। ठीक है, और प्रिंट लाइन को हटा गई। अब मैं देखो उसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो 1 3 5 7 9 इसने प्रिंट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बीच में से इस 3 को हटा देना चाहता हूँ और आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 5 7 9, यानी मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसका मैं खुद से कोड करूंगा। वो एल्गोरिथम हमें पता है कि हमें खुद से कैसे डिलीट करना है, अभी मैंने बोर्ड पर उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे I इक्वल टू, बट बिफोर दैट यूजर से एक इनपुट लेंगे कि भाई वो डिलीट किसको कहां से करना है, तो यहां पे स्कैनर की क्लास, स्कैनर, सॉरी कंट्रोल स्पेस हो गया, जावा डॉट यूटिल की क्लास एड होगी ऊपर, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और अंदर क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और यहां पर आकर जब वो प्रिंट कर चुका होगा तो एस आउट इंटर द इंडेक्स ऑन विच यू वॉन्ट टू रिमूव नंबर, उस इंडेक्स नंबर को लिखें जिस पे आप रिमूव करना चाह रहे हैं नंबर को। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल मुझे जरूरत पड़ रही है एक वेरिएबल की, यहां पर आके एक वेरिएबल लेते हैं इंट एस, एस नाम का एक वेरिएबल है, और एस इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ओके, अब लूप कहां से चलेगा, एस से चलेगा। अगर मैंने उसके अंदर 1 दे दिया तो इसका मतलब है स्वैपिंग, यानी डिलीशन इसकी होगी, अगर मैंने 2 दे दिया तो डिलीशन यहां से होगी, 3 दे दिया, 4 दे दिया, समझ रहे हो। अच्छा, और लूप की लेंथ क्या होगी, लूप की लेंथ होगी एक्स डॉट लेंथ -1, यानी एक दफा लूप कम चलेगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम पूरा मैं समझा चुका हूँ बोर्ड पे, मुझे यहाँ कोडिंग के दौरान बताने की जरूरत नहीं है, बट आउटपुट देख के समझ जाएंगे जिन लोगों को एल्गोरिथम भी नहीं समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली एक्स आई
इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वन, यानी स्वैपिंग ही होती है, डिलीशन का मतलब ये, ठीक है। तो इस लाइन की वजह से क्या होगा, सारी की सारी स्वैपिंग। अब जब मैं इसको लिखूंगा, प्रिंट करवाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, कॉपी किया इसको, पेस्ट किया और यहां जीरो से शुरू किया और यहां लिखा उसी लाइन के कोड को जो प्रिंट का कोड है, जो कि क्या है ये वाला, कॉपी पेस्ट और यहां लिखा एस आउट आफ्टर डिलीशन, सही है, और यहां वी नहीं आएगा, यहां आएगा एक्स आई। ओके, अब इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के रन करते हैं। देखो सबसे पहले तो 13579 आ गया। अच्छा लाइन चेंज कर दो, बैक स्लैश एन, वरना ये जो है ना सेम लाइन पर आ रहा, ठीक है। एफ सिक्स इंटर द इंडेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 13579 सही आ गया। अब कह रहे हैं इंडेक्स नंबर ऑन विच यू वॉन्ट टू रिमूव द नंबर, मैंने कहा वन इंडेक्स है, यानी वन इंडेक्स पर कौन है, थ्री, इसका मतलब है थ्री को रिमूव हो जाना चाहिए। देखो थ्री रिमूव हो गया, क्या आ रहा है 1579, क्लियर है। इतना लंबा कोड मुझे करने की जरूरत पड़ी सिर्फ एक नंबर को डिलीट करने के लिए। अगेन इसको चलाते हैं, देखो फिर से कहता है 13579, किसको डिलीट करना चाहते हो, मैं चाह रहा हूँ फाइव को डिलीट करूँ, तो मैं लिखूंगा इंडेक्स नंबर टू, देखो वो फाइव डिलीट कर देगा 1379, क्लियर है। अगेन मैं चाह रहा हूँ किसको डिलीट करना, सेवन को, थर्ड इंडेक्स, देखो 135, क्लियर। ओके, अब ये देखो ये एरे की थ्रू पॉसिबल है, मगर क्या है इतना लंबा एल्गोरिथम लिखना है, जबकि यहां पर देखो ये क्या बताता है, जावा एरे लिस्ट क्लास यूज अ डायनेमिक एरे, डायनेमिक एरे फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट। एक डायनेमिक एरे होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं, और ये कहां से आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है, और इंप्लीमेंट कहां से हो रही है, लिस्ट इंटरफेस से। अगर तुम यहां पे इस डायग्राम को देखो तो ये देखो, मैंने अभी जैसे कि बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, सिर्फ डेफिनेशन होती है मेथड की। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें इंटर एब्स्ट्रैक्ट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती हैं, बट वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो कहां से इंप्लीमेंट होकर आ रही है, लिस्ट इंटरफेस से। लिस्ट में क्या है, 100% एब्स्ट्रैक्शन, और वो कहां से आ रही है, कलेक्शन के इंप्लीमेंट से आ रही है, और कलेक्शन कहां से आ रहा है, आइट्रेटेबल, यानी सबसे ऊपर जो इंटरफेस है वो आइट्रेटेबल। तो देखो पूरी एक जर्नलाइजेशन से नीचे होते हुए हम आ रहे हैं कहां पे, स्पेशलाइज्ड एरे लिस्ट पे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं जो अलग अलग हायरार्की में निकल रहे होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, एरे लिस्ट की तरफ। तो अब देखो एरे लिस्ट कितना आसान है, जो इतना लंबा हमें कोड करना पड़ा वो कोड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बिफोर दैट हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा इसमें। यहाँ देखो कहते हैं जावा नॉन जेनरिक वर्सेस जेनरिक कलेक्शन। अब दो टाइप के कलेक्शंस हैं यहाँ पे, जेनरिक एंड नॉन जेनरिक। क्या कहता है, कहते हैं जावा न्यू जेनरिक कलेक्शन अलाउ यू टू हैव ओनली वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन। कहता है कि जावा जो जेनरिक कलेक्शन है वो आपको अलाउ करता है कि आप उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का ही ऑब्जेक्ट रख सकते हो कलेक्शन में। नाउ इट इज टाइप सेफ, सो टाइप कास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट द रन टाइम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कलेक्शन के अंदर सेम ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता, तो टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा, सही है। जबकि जो पुराना वाला नॉन जेनरिक है वो देखो क्या है, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एरे लिस्ट, इसके अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो, सही है। जबकि ये जो टाइप है जेनरिक वाली, इसके अंदर यहां पर क्या डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रिंग। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। अगर तुमने कोई और ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश की तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। सेम यही एरे में होता है ना, जैसे एरे के अंदर अगर हमने एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और उसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग डालने की कोशिश करें एबीसी, तो वो क्या करेगा, एरर देना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है। जबकि जो लिस्ट है, एरे लिस्ट है, उसके अंदर अगर आप नंबर्स, स्ट्रिंग, एनीथिंग कुछ भी डालने की कोशिश करो तो वो चला जाएगा, सही है, नॉन जेनरिक में। बट जेनरिक के अंदर नहीं जा सकता, जेनरिक में सेम टाइप का डाटा जाएगा। अब देखो आते हैं, क्रिएट करते हैं, सबसे पहले इसी कोड को उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कंटिन्यूसली एरर देगा।
क्या करना पड़ेगा, ऊपर इसकी नेम स्पेस को ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पैकेज को। फिर यहाँ पर हम ये वाली लाइब्रेरी ऐड करेंगे, देखो कौन सी, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट और फिर ये स्टैरिक, सही है। अच्छा क्या कह रहे हैं, नॉट एन लीगल स्टेटमेंट के क्लास, तो सबसे पहले आपने ये इम्पोर्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आके देखो एरे लिस्ट, अच्छा ये सजेशन नहीं देता, तो यहाँ पे रह के कंट्रोल स्पेस दबाओगे, देखो ये सजेशन दे देगा, हाफ थोड़ा सा भी लिखो ए डबल आर और कंट्रोल स्पेस दबाओ, एरे लिस्ट, देखो ये आ रहा है। हमने कौन सा सेलेक्ट करना है पहले, अभी हम एरे लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, डी क्यू वगैरह ये सब बाद में देखेंगे। एरे लिस्ट टैब प्रेस किया, यहाँ पर इसकी टाइप दी, ठीक है, हम कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनेरिक, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट बना, इज इक्वल्स टू न्यू एरे कंट्रोल स्पेस, और ये देखो खुद से आ जाएगा ये टैब, ठीक है, ओके। तो ये एरे का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सही है। अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखो फॉर लूप चलाओ, फॉर ईच लूप चलाते हैं, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप क्या है, यहां पर डेटा टाइप देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस कॉलन एल आई, और उसको प्रिंट कराते हैं एस आउट एस एफ सिक्स, देखो ब्लैंक कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, क्लियर हो रही है बात। और यही चीज अगर हम एरे के साथ करते तो देखो क्या होने वाला था, अगर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं एक मिनट इस प्रोजेक्ट पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पूरा कोड निकाल दिया इस पे से, ठीक है। अब देखो सेम यही काम करता हूँ मैं, एक स्ट्रिंग टाइप का मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और उसका साइज डिफाइन किया 4, सही है, फॉर ईच लूप चलाएंगे, और चलो इसको भी एल आई कह देते हैं, ठीक है, ताकि मुझे कॉपी करने में आसानी हो जाए, यहाँ से डेट ये पूरा मैंने कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट किया एफ सिक्स, देखो डिफरेंस मिल गया तुम्हें एरे लिस्ट और सिंपल एरे में, इसने क्या प्रिंट किया, नल नल नल, यानी तुमने तीन साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है मेमोरी में तीन ब्लॉक ऑक्यूपाई हो गए, अब तुम इस्तेमाल करो या ना करो, उसके अंदर तुमने कुछ डाला नहीं है तो नल है, जबकि यहां पर क्या है, डायनेमिक है, जितने इस्तेमाल करते जाओगे, जितनी यूजेज होगी उतने ब्लॉक ऑक्यूपाई होते जाएंगे, जो यूज में नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नहीं है हमारे मेमोरी में ही नहीं आएंगे वो, ठीक है, डिक्लेरेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। ये दोनों में देखो डिफरेंस नजर आया, एरे और एरे लिस्ट में जेनरिक क्लास के। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, एल आई डॉट एड, ये इसका मेथड है। अब इसके अंदर मैंने एक नेम ऐड किया, सबसे पहले कौन बैठा है ये, हाशिर, ओके, मैंने हाशिर का देखो नाम ऐड किया इसमें, और अब मैं एफ सिक्स प्रेस करता हूं, तो ये देखो इस लिस्ट के अंदर कौन आ चुका है, हाशिर आ चुका है। सिमिलरली यहां पर मैंने किया एल आई डॉट एड, द नेक्स्ट स्टूडेंट इज हारिस, सिमिलरली कॉपी करो पेस्ट करो, हसन पेस्ट, हसन के बाद चलो एक और स्टूडेंट है, ठीक है, उसामा, ओके। अब मैं इसको देखो प्रिंट करूंगा एफ सिक्स, तो ये देखो यानी रन टाइम पे आपके पास क्या होगा, जितनी जितनी वैल्यूज हैं, जितना डाटा है उतनी मेमोरी रिक्वायर्ड हो रही है, सही है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखो वो जो मैंने डिलीट किया था, डिलीट के लिए इतना लंबा कोड करना पड़ा था हमें, यहां पर आते हैं इस पर, ठीक है जी, और क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं एल आई डॉट रिमूव, ठीक है, और यहां इस कोड को कॉपी किया, नीचे पेस्ट करते हैं, और यहां लिखते हैं एस आउट आफ्टर डिलीशन एफ सिक्स, ये देखो कौन डिलीट हो गया, पहले देखो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाशिर हारिस हसन उसामा, देखो हाशिर हसन उसामा, हसन को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, हारिस सॉरी, हाँ हारिस फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे हारिस था,
तो आर चला गया। देखो ये जीरो इंडेक्स 1 2 3। ओके अब हसान को ज्यादा तंग कर रहा है तो उसी को निकाल देते हैं। ठीक है सेकेंड इंडेक्स पे कौन था हसान, देखो अब आफ्टर डिलीशन हाशिर हारिस उसामा। तो ये देखो ये एक लाइन का कोड डॉट रिमूव क्या कर रहा है, जो तुमने इतना बड़ा एल्गोरिथम लिखा था उसका रिप्लेसमेंट है ये। अब आई बात समझ में, ये कलेक्शन क्लासेस ये फ्रेमवर्क क्यों मिला हमें कि हमें अब नहीं फिक्र करनी इतना सारा कोड करना है, हमने क्या करना है सिर्फ ये 2-3 लाइंस का कोड लिखना है और अपना काम। और देखो दूसरा क्या है, मेमोरी बच रही है, इसका मतलब है कलेक्शन क्लास यूज करना बेटर है या सिर्फ सिंपल एरे यूज करना बेटर है, कलेक्शन क्लास एरेलेस। ठीक है